अगर आपके पास कोई भी कस्टमर रिटर्न रॉन्ग आता है तो आप किस तरीके से क्लेम करें कि आपको 100% क्लेम अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाला हूं कि आप अपने रॉन्ग रिटर्न का क्लेम किस तरीके से डाल सकते हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शैडो फेस का रिटर्न है, इसमें ना रॉन्ग प्रोडक्ट आया हुआ है, ये साफ पता लग रहा है यहाँ पर। तो इसी का मैं आपको वीडियो बनाकर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं अपने रॉन्ग आरटीओ या रिटर्न, जो भी रॉन्ग रिटर्न आते हैं उसका। आपको सबसे पहले जो ये बार कोड शिपिंग लेवल दिख रहा है, इसका आपको एक क्लियर फ़ोटो लेना है। उसके बाद आपको ये बार कोड आईडी दिख रहा है, ये बार कोड आईडी का भी एक अलग से फ़ोटो लेना है, क्लियर दिखना चाहिए आप इसमें, ये बार कोड आईडी क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद आपको इसका वीडियो बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको इसको सारे एंगल दिखा देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें ये बार कोड आईडी भी आपको दिखाना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें रोंग आया हुआ है, मैंने इसके अंदर टी शर्ट भेजा था और ये देखो क्या आया है इसमें। तो आपको इसमें क्लियर अपने वीडियो में आपको ऐसे इस तरीके से दिखा लेना है ना। जो आपको रिटर्न प्रोडक्ट आया ना, इसका भी आपको एक फ़ोटो लेना है, इसका हमें उसमें हमें डालना पड़ता है इसका भी एक फ़ोटो। आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से आप मीशो पैनल पर अपना क्लेम डाल सकते हैं। आपको अपने मीशो सेलर डैशबोर्ड पर आ जाना है। उसके बाद आपको सपोर्ट में जाना है। उसके बाद आपको रिटर्न आरटीओ के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेजर टिकट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब ऑर्डर आईडी डालना है। चलिए हम ऑर्डर आईडी डाल लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ द पैकेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको इंटैक्ट डाल लेना है। उसके बाद आपको बारकोड आईडी डालना है, यहाँ पर आपको बारकोड आईडी नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बारकोड इमेज डालना है। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं, ये बारकोड इमेज हमने डाल दिया यहाँ पर, जो बारकोड का फोटो था। उसके बाद आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसका इमेज डालना है, जो रोंग आया था उसमें। तो हम यहाँ से इसका ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिवर्स बिहेवियर, जो हमने सेकंड लेवल का फोटो लिया था वो आपको यहाँ पर डालना है, ये डाल सकते। उसके बाद लास्ट में हमें अनपैकिंग की वीडियो, जो हमने वीडियो बनाया था वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देना है जो आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, सिंपल। ये आपका क्लेम डल गया यहाँ से, अभी आपका 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाएगा।